राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को। आज एक और आपको भाई नायाब नगीना दिखाएंगे, सुबह सुबह करो दर्शन गौ माता के, और वो भी कामधेनु गौ माता कपिला, श्वेत कपिला भाई, और वो भी थार पारकर ब्रीड के अंदर। ये देखें भाई, बिल्कुल आप सींग देखें, बिल्कुल लाल सींग, भूरी भूरी आँखें, बड़ी प्यारी प्यारी पलक, लाल ही खुर हैं बिल्कुल, रेड गुलाबी गुलाबी कान, और जो इसकी अंदर की जो स्किन है वो भी बिल्कुल सारी की सारी गुलाबी है भाई। बालों के अंदर जो स्किन है वो भी गुलाबी है। बस किसने टोवा है। और पूंछ देखें भाई आप, पहले आप गौ माता का चलते हुए का वैसे देखें, फिर आपको एक एक करेक्टर एक एक चीज अलग अलग दिखाएंगे। चल भीतर चल, कुरान बोल दे मुना। अभी भाई डिलीवरी में 20 दिन शेष हैं, अभी थोड़ा थोड़ा ऑर्डर इसने सवारना स्टार्ट कराया है। अब देखें भाई बॉडी करेक्टर जो हैं, वो आपको अलग दिखाई दे जाएंगे। थार ब्रीड पूंछ देखिए भाई दोस्तों, पूंछ जो है पूरी मोटी, जो मजबूत पूंछ होनी चाहिए वो, पीठ पुट्ठा साचा कलकंबल। आजा आजा दौड़ी, आजा भाई आजा, उरान आजा 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 आजा। बड़ी समझदार गऊ है भाई, बहुत प्यारी गऊ है। अब आ जाते हैं भाई इसकी दूध के ऊपर और इसकी लैक्टेशन के ऊपर। दोस्तों दूध क्षमता 18 kg, वो भी दूसरे ही ब्यांत में, प्लस 1.25 किलो घी भाई दूसरे ब्यांत में। अब ये तीसरे ब्यांत में है, कहने को देखो इस दिखाई भी दे रही है ये, मैं इसको दूसरे भी कह सकूँ क्योंकि दूसरे में भी ये अगर कहता तो मैं चला है। ये देखिए भाई, ले गोरा ए गोरा, अभी भाई 21 दिन इसके जो हैं डिलीवरी के टाइम शेष है। बहुत ही उम्दा ऑर्डर जो आप कह सकते, अभी उम्दा से भी उम्दा ऑर्डर गौ माता बनावेगी ब्यांत के ऊपर। भाई ज़रूर बताइए कमेंट करके गौ माता आपको कैसी लगी। हाँ, जिससे ये प्रेग्नेंट है उस बुल का उस भाई को भी नहीं पता था जिससे आप लेकर के आए। हाँ, किसान आदमी था बिल्कुल देसी, उसको नहीं पता। उसने यही कहा भाई, भाई साहब मेरे को नहीं पता, डॉक्टर ने जो रखा वो डॉक्टर को ही पता। तो डॉक्टरों के ऊपर तो भाई आजकल जो प्राइवेट ये झोला छाप हैं इनकी तो आप आपको तसल्ली मान नहीं सकते कि उन्होंने थार का रखा होगा, क्या पता किसका सीमन रख दिया होगा। हाँ, बहुत लंबे लैक्टेशन के दूध के मामले में मैं इतनी कह सकूँ हूँ भाई, 20 kg प्लस की ये गाय रहेगी, ये पक्का है। श्वेत कपिला, कपिला बहुत कम मिलती हैं भाई, मानने वाले भाई इसको एक गायें भी मानने हैं और मानने वाले भाई इसको शुभ भी बहुत मानने हैं। अब श्वेत कपिला थार पारकर बछड़ी जो कि अर्जुन की थी, पवन घनगस भाई की बछड़ी, 3.5 लाख रुपए की हमने अंकल जी को दिलाई थी भाई, नरेंद्र अंकल जी के पास गई थी, और नाम भी उसका मैंने रखा था कल्याणी, वो भी श्वेत कपिला बछड़ी थी। एक श्वेत कपिला बछड़ी थार में काड़ू भाई के पास है गुड़ा, ये कुछ गिनी चुनी ही अपने नज़र में आई है मेरे तो 5-7। अब फेस को देख कर ये कैस काम, ये दूसरे ब्यांत में है बट ये तीसरे ब्यांत में है गौ माता। मुना हाथ उत फेरे वह,
ये इसका शांत सरल स्वभाव जो बिल्कुल थार का एक गुण बताया है भाई। देखो थार के बारे में इतनी नॉलेज अपने को नहीं है क्योंकि थार अपन रखी नहीं है, कभी एकाधी कोई सेल के लिए जरूर ले आए हाँ, पर एक अहम गुण बताया जाता है भी थार पार्कर ऑटोमेटिक शांत स्वभाव की होती है, बहुत सरल सहज स्वभाव होता है थार पार्कर का। जीतू भाई डालते ही रहते हैं थार पार्कर की वीडियो, फार्मों की, सूरतगढ़ की, चंदन की, ये देखिए भाई ये है शांत स्वभाव। शांत तो अपनी जो आप हरियाणा लेकर आओ अपनी उनका भी बहुत शांत हुआ है। ये देखिए मैं दोस्तों बस दौड़ी खाने पीने में भी मस्त भाई, इसने कोई ओपरापन नहीं करे आके, यहाँ भी खाए नहीं पिए नहीं, कई बार दूसरी जगह जाके अभी चरदा नहीं है गऊ चरदी नहीं नई जगह मान के, पर ये इसने कल ही आई थी अपने पास, कल से ये बहुत अच्छी अपने जैसे वहाँ खाना पीना खा रही थी परमात्मा की दया से वैसे ही खाने लग रही है। लाए दौड़ी दौड़ो फेस देखे मैं इसका, एक बछड़ी जैसा फेस है, बहुत प्यारा फेस है। इसकी माँ कैसी थी कौन सी थी वो ही किसी को नहीं पता भाई, ना अगले को पता था और ना मेरे को पता भाई, इसका खुद का इतना पक्का है भाई। ये 17-18 केजी दूध इसने दिया और 1.25 किलो घी दिया भाई, इसकी 80, 90, 85, 92 ऐसे फैंट जो है पूरे ब्यांत की उस भाई ने, जो डेयरी में उसका दूध लग्या फैंट के ऊपर वो उसने पूरा दिखाया भाई मेरे को। और एक ये गाय थी और एक और गाय थी ड्राई, तो सारी बातों की स्थापित उस भाई ने अपनी करी बातें। तो इतना घी भाई भैंस का पाया करें, बहुत कम भैंसों में पाओ और वो भी, और ये गायें के इतना घी होना बहुत बड़ी बात है। घी की अपने पास अब तक 3-4 गायें ऐसी आई हैं जो भाई किलो किलो घी से पार की घी निकाला उन्होंने। बड़ा ही प्यारा सरल स्वभाव है भाई, और 2 दिन में अपने मालिक को ये पकड़ जाएगी भाई, हाँ पहले वाले को भूल के अपने दूसरे वाले को पकड़ लेगी। ये देखें दोस्तों श्वेत कपिला, स्वर्ण कपिला नहीं भाई श्वेत कपिला बोली जाएगी, श्वेत कपिला। इसमें ये टैग है इसका है, ये किस चीज़ का है ये भाई हमने नहीं पता, पर है यू किसी न किसी अच्छी चीज़ का है, तो सीमन वगैरह का या कोई इसकी मदर कभी रिकॉर्डिंग में लगी होगी या उसका, चल वो भी इसको छोटी बछड़ी लेकर आया था कहीं से। तो भाई दोस्तों कैसी लगी गौ माता कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। गो दौड़ी ए दौड़ी दौड़ी, एक थार पार्कर अपने पास कपिला और है जो अपनी मेहम वाली डेयरी में है हिमांशु के पास, उसकी बछड़ी जो थी वो नरेंद्र अंकल जी को दे दी थी 2841 की, उसके बाद एक ये कपिला होगी है। बिल्कुल सुनहरा कलर, और अब जैसे धूप में अगर इसको खड़ी करा नहला के नुहा धुआ के तो कितना मतलब इसका चमकीला कलर आ जाएगा भाई। देखो वैसे ही नॉर्मली वीडियो आई थी तो मैं अभी एक नया गोदन अपने पास ऐड होया है तो सभी भाइयों को ज़रूर दिखाते कि लचीला शरीर, एक मिल्क वेन देखें आप भाई इसकी, आपको इधर भी और उधर भी ही मोटी मोटी मिल्क वेन है। आजा 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 भाई आजा 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 आजा, थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें आदमी के पास आने की, पर 2-4 दिन में पकड़ जाएगी हमने। आजा
ले थोड़ी, आ जा आ जा। ले ले राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे गोधन के साथ।